समंदर की कहानी है, टापुओं का बसेरा है, ऊंचे आसमां से देखे अगर लगता है कायनात ने जल सुरभि में मोतियां बिखेरा है। नमस्कार दोस्तों, वियतनाम डायरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम प्रस्तुत करेंगे एक ऐसी जगह की कहानी जहां की प्राकृतिक खूबसूरती थोड़ी अलग है लेकिन बहुत ही निराली है। इस जगह का नाम है हेलोंग बे, जो कि वियतनाम के क्वांग मी प्रोविंस में आता है। आज हम ले चलते हैं आपको हेलोंग बे के ऐसे सफर में जहां रोमांच है, खूबसूरती है, प्राकृतिक सौंदर्य है और अलग ही अद्भुतता है। इस सफर में हम एक लाइमस्टोन केव के अंदर जाएंगे जो अद्भुत होने के साथ साथ रोमांचक भी है। इस केव को हेवन केव कहते हैं, यानी कि स्वर्ग गुफा। सो लेट्स गो। हम पहुंचते हैं इंटरनेशनल मरीन टर्मिनल। बेहतरीन मौसम है, थोड़ी भीड़ है। ट्रिप का टिकट तकरीबन 24 यूएस डॉलर है, जिसमें हेलोंग बे की सैर के साथ साथ हेवन केव का ट्रिप भी शामिल है। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoor. हेलोंग बे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और क्वांग मी प्रोविंस में लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। हेलोंग का अर्थ है डिसेंडिंग ड्रैगन। यह जो समंदर का नशीला नजारा है और ये जो विशालकाय लाइमस्टोन की छोटी पहाड़ियां हैं, दिल को छू जाती है। Halong Bay famous is very beautiful step in Halong Bay, and we are going to visit the Halong Bay and two time is recognized by UNESCO, the first time in 1994 and the second time in the 2000. In Halong Bay is famous by stalactite and stalagmite inside cave. साइंटिस्ट का मानना है कि ये पहाड़ी स्कल्पचर टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण बने हैं, ना कि ज्वालामुखी के कारण। सामान्यतः लोग समझते हैं कि इन टापुओं का निर्माण ज्वालामुखी के कारण हुआ है, जो कि गलत है। यदि हम इन खाड़ियों में मानव इतिहास की बात करें तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सैकड़ों सालों पूर्व से मानव हेलोंग बे की खाड़ियों में रहते थे। वे फ्लोटिंग विलेजेस में रहते थे जो बाहरी दुनिया से अलग थलग था। अतीत में लगभग 7 तैरते हुए गांव थे, जिसमें कुल मिलाकर 400 से अधिक घर थे। वे समुन्द्र में पैदा हुए थे और अपनी पूरी जीवन वहीं रहते थे। वे समुद्री भोजन पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। अब हम पहुंच रहे हैं थिन कुम केव, जिसे हेवन केव या स्वर्ग गुफा भी कहा जाता है। यह गुफा बाकी अन्य गुफाओं की तरह लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर से बना हुआ है। इसके अंदर अनेक स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेगमाइट्स बने हुए हैं जो विभिन्न आकार के हैं। इस गुफा का दरवाजा काफी नैरो था और घने जंगलों में छुपा होने के कारण 1993 तक दुनिया के लोग इसे नहीं खोज पाए। 1993 में एक बड़ा तूफान आया और कुछ मछुआरे उस तूफान से बचने के लिए जंगलों में आशिया ढूंढ रहे थे, तो उन्हें यह स्वर्ग गुफा मिल गया।
जब टूरिस्ट इस गुफा में आते हैं तो इसकी अलौकिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं हेलोंग बे से जुड़ी माइथोलॉजी। हेलोंग बे में 1600 आइलैंड्स हैं। एक मिथ के अनुसार जब ड्रैगन हेलोंग बे के आसमान से गुजर रहे थे तब ड्रैगन के थूकने के परिणाम स्वरूप अनोखे रूपों में चूने पत्थर से बने द्वीपों का निर्माण हुआ। हाल ही में हेलोंग बे को दुनिया के 8 अजूबों में से एक के रूप में नामित किया गया है। 1994 में यूनेस्को ने हेलोंग बे को पहली बार हेरिटेज साइट की मान्यता दी क्योंकि इसमें शानदार प्राकृतिक घटनाएं और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता शामिल है। 2012 में दूसरी बार हेलोंग बे को भूवैज्ञानिक मूल्यों के लिए यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। हेलोंग बे पृथ्वी के इतिहास के प्रमुख चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें जीवन का रिकॉर्ड लैंडफॉर्म्स के विकास में महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं और भौतिक विशेषताएं शामिल हैं। थिंकुंग केव में स्वर्ग के महल की तरह सुंदरता है। यह गुफा हेलोंग बे के दक्षिण में 4 किलोमीटर दूर दाउगो द्वीप में स्थित है। थिंकुंग केव की पूर्वी चट्टान में प्रकृति द्वारा बनाई गई चिकनी और उत्तम लाइनों के साथ परियों की कहानियों में प्राचीन पात्रों की एक विशाल और स्मारक तस्वीर है। गुफा के केंद्र में 4 बड़े स्तंभ हैं। इन खम्भों के नीचे से लेकर ऊपर तक कई विचित्र आकृतियां जैसे कि पक्षी, मछलियां, मानव, फूल इत्यादि की छवि बनाई हुई है। इस गुफा में कभी कभी ड्रम की आवाज होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि किसी पुराने गांव में त्योहार के समय जो आवाज होती है। दरअसल यह पत्थरों के बीच के छेद से हवा बहने की आवाज है। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो एक कहानी मशहूर है। इसके अनुसार ड्रैगन किंग के द्वारा लोगों को आक्रमणकारियों को हराने में मदद करने के बाद वह अपनी गुफा में लौट आया। एक युवा दंपति ड्रैगन किंग के पास आए। उनकी मे नाम की एक बेटी थी। जब मे बड़ी हुई तो उसे ड्रैगन प्रिंस से प्यार हो गया। बाद में गुफा के केंद्र में उनकी शादी 7 दिनों के दौरान आयोजित की गई थी।
झिंगकुंग गुफा के मेहराब के नीचे स्टैलेक्टाइट्स का एक समूह ऐसा लगता है जैसे किसी ने प्राकृतिक पत्थर का पर्दा बना दिया हो। थिंगकुंग केव से बाहर निकलते हुए पर्यटकों को ऐसा लगता है कि इन्होंने एक अनोखा और शानदार कला संग्रहालय देखा है जो कि मानव की कल्पना से परे है। यह किसिंग रॉक है। यहाँ के आवाम और सरकार के लिए यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी तस्वीर वियतनामी मुद्रा में शामिल की गई है। हेलोंग बे का सफर अद्भुत और बहुत ही रोचक है। यह किसी प्रसिद्ध सिनेमा का हिस्सा होने की याद दिलाता है। हेलोंग बे का सफर वाकई में बकेट लिस्ट वाला ट्रिप है। आशा करता हूं आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। वियतनाम डायरीज के अगले एपिसोड में हम बहुत ही दिलचस्प वीडियो प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।